श्री राम जन्मोत्सव समिति के विभिन्न प्रखंडों द्वारा लगातार अभी भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में श्री राम जन्मोत्सव समिति कैम प्रखंड द्वारा हनुमान जन्म उत्सव मनाते हुए भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि श्री राम जन्म उत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे उपस्थित हुए। श्री राम जन्मोत्सव समिति कैंप प्रखंड की युवा टीम द्वारा राम भक्त श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समिति द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के साथ विशेष तौर पर भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान जी के मोहक भजनों की प्रस्तुति दी गई। श्री राम जन्मोत्सव समिति कैंप प्रखंड की युवा टीम द्वारा आयोजित भजन संध्या के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे उपस्थित हुए, जहां समिति के सदस्यों द्वारा उनका विधिवत स्वागत सम्मान भगवा गमछा और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। साथ ही वर्तमान वार्ड पार्षद एवं पूर्व वार्ड पार्षद का स्वागत सम्मान भी समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। श्री राम जन्मोत्सव समिति कैंप प्रखंड युवा टीम द्वारा आयोजित भजन संध्या के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने कैंप प्रखंड की युवा टीम को साधुवाद दिया और राम भक्त हनुमान को एक सर्वोत्तम पथ प्रदर्शक बताया। हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और युवा शक्ति हमारे राम अवतार जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। पूरी राम जन्मोत्सव समिति की टीम उसमें सहयोगी के रूप में काम कर रही है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और निश्चित तौर पर ये हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी का पराक्रम है। हनुमान जी का कहना चाहिए कि आज पूरे देश में, पूरे शहर में एक जागरण हिंदू समाज का हुआ है, तो उसमें जो सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक आदर्श के रूप में किसी को देखा जाता है तो भगवान श्री हनुमान को देखा जाता है, भगवान श्री राम को देखा जाता है। तो उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हमारे प्रत्येक समाज को मिलता रहे, यही आशा करते हैं। उनका आशीर्वाद प्रत्येक घरों को मिले, उनके जैसा बालक प्रत्येक घरों में हो, यही शुभकामनाएं मैं कैंप के प्रत्येक घरों के लोगों को, निवासियों को देता हूँ। कहने चाहेंगे? ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग भगवा से भागा करते थे और दूसरी जगह जाया करते थे, आज उनको भी इस भगवे की शक्ति का पता चल गया है। और ये तो जो अभी भगवा धारण किए, ये तो राजनीतिक धारण है। यहाँ पे लोग 10-10 साल से, 30-30 साल से भगवा के लिए संघर्ष करे, राम मंदिर आंदोलन में लोग संघर्ष करे, इन लोगों ने तो राम के आचरण और राम सेतु को काल्पनिक बताने का काम किया था। तो ये जो नकली भगवाधारी है, इनको भी भगवान सद्बुद्धि दे और राजनीति से परे अपनी सोच को विकसित करें और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें, यही मैं उनको कहना चाहूंगा। राम भक्त श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम को पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित किया गया। आयोजन में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें क्षेत्रवासियों सहित अन्य लोगों ने भी महाप्रसाद ग्रहण किया एवं भक्ति सागर में गोते लगाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।